प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल एजुकेशन टॉक्स विद अब्बास एंड प्रेस बेल आइकन फॉर लेटेस्ट एंड मोर एजुकेशनल वीडियोस बसमिल्ल इमान रहीम रबी शरहली सदरी वसरलीमली वाहल़दतम्मिलिसानीफ कहू कोली आमी सुमाम डियर फ्रेंड्स अल्लाम यू आर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल एजुकेशनल टॉक्स दास डेयर फ्रेंड्स हमने केमिकल रिएक्शन इंजीनियरिंग का सब्जेक्ट स्टार्ट किया हुआ है इस पर लेक्चर वन टू थ्री फोर लेक्चर्स पर वीडियो आ चुकी हैं पहले आप जा कर देख लीजिए उसमें मैंने काफ़ी डिटेल से बताया कि के केमिकल जिन क्या होती है इसके रिएक्शन की कितनी टाइप्स हैं बैच रिएक्टर क्या होता है रिएक्टर की टाइप्स पे काफ़ी डिटेल वीडियो बनाई लेक्चर फोर मैंने रेट ऑफ रिएक्शन लास्ट वीडियो हमारी थी रेट ऑफ रिएक्शन पे रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है कि हमारे नंबर ऑफ मोल्स रिएक्टेड क्या हो रहे हैं या डिसपेयरेंस हो रही है या फार्मेशन हो रही है पर यूनिट टाइम पर यूनिट वॉल्यूम इज कार्ड रेट ऑफ रिएक्शन सो so, हमने उस पर बहुत उस पर जो उसमें इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट वो हम देखे लेकिन आज का जो हमारा लेक्चर फाइव जो है वो है जनरल मॉल बैलेंस इससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेलाइकन भी प्रेस कर दीजिए सो जनरल मोल बैलेंस की क्वेश्चन में देखूं तो अगर हमने कोई किसी हमने सिस्टम पे मोल बैलेंस लगाना है तो उसकी जो बाउंड्रीज़ जो हैं वो मस्ट बी स्पेसिफाइड होनी चाहिए लाइफ एग्जांपल मैंने ले ली ये हमारे पास एक सिस्टम है ये हमारे पास एक सिस्टम है इसकी ये बाउंड्रीज़ हैं ये क्या है इसकी बाउंड्रीज़ हैं अब बाउंड्रीज़ में जो हमारा वॉल्यूम इंक्लोज़ हुआ हुआ है इस बाउंड्रीज़ में उसे हम बोलते हैं सिस्टम वॉल्यूम इस वॉल्यूम को हम बोलेंगे सिस्टम वॉलीम अब मैं इस जो सिस्टम पे मैं मोल बैलेंस लगाना चाहता हूँ तो इसमें मैंने लेट कर लिया इसमें स्पीशीज़ जे इसमें स्पीशीज़ हैं स्पीशीज़ मीन टू से आपके पास जो हमारे पास हमारे इंटरेस्ट की जो हमारे पास जिसमें हम रिएक्शन पे हम बैलेंस लगा रिएक्शन पे बैलेंस लगाना चाहते हैं ठीक है यहाँ पर मैंने उसको रिप्रजेंट कर दिया है स्पीशीज़ जे से ठीक है अब आपको जो है मोल बैलेंस की क्वेश्चन तो याद होगी जो हमने ए, के, केमिकल इंजीनियरिंग के फर्स्ट सेमेस्टर से हमें पता होता है उसमें हमारी क्वेश्चन होती है इन माइनस आउट प्लस जनरेशन माइनस कंजम्पशन इज इक्वल टू अक्ूमुलेशन लेकिन हमारे रिएक्टर रिएक्शन में रिएक्टर में कोई चीज़ कंज्यूम नहीं हो रही कंजशन इसमें होती तो इसलिए हम इस टर्म्स को निगलेक्ट कर देते हैं इसको हम निगलेक्ट कर देंगे ठीक है एज अ मॉल बैलेंस जब हम रिएक्शन पर रिएक्टर पर लगाएंगे मॉल बैलेंस तो अब आप देखें कि इसमें हमारे पास मैं आपको स्पेसिफाई कर दूँ इन माइनस आउट क्या चीज़ें हैं ठीक है अब इसमें हमारे पास जो इक्वेशन इन है इसमें मैं इन करवाता हूँ मोल्स में करवा रहा हूँ इसमें फ्लो में से एफ फ्लो फ्लो को डिनोट कर रहा है रेट ऑफ फ्लो ठीक है जे नोट नोट जो है मतलब इनिशियल इसकी कंसनट्रेशन क्या है एफ जे नोट अब जो इसमें आउटपुट आ रहा है मैं उसको शो करता हूँ एफ जे से ठीक है अब इसमें हमने इन क्या करवाया है हमने रेट ऑफ फ्लो ऑफ जे

एक्मलेशन अब मैंने इनको डिनोट किया है एफ जे नोट से आउट को डिनोट किया है एफ जे से जनरेशन को जी जे से क्योंकि जे जो हमारी स्पीशीज़ हैं और ये एक्यूमलेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट समझना बहुत जरूरी है इसको एक्मलेशन डी एन जे ओवर डी टी इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो नंबर ऑफ मोल जो हैं जो नंबर ऑफ मोल हमारे पास स्पीशीज जे के एट टाइम टी में हमारे सिस्टम में कितने एक्यूमुलेट हो रहे हैं ये एन जे उसको रिप्रेजेंट एन डी एन जे और डी टी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि हमारे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ स्पीशीज जे इन सिस्टम एट टाइम टी पर कितने जिसमें एक्यूमुलेट हो रहे हैं उम्मीद करता हूं कि आपको इतनी चीज़ समझ आ चुकी होगी अब देन आगे मैं मूव करता हूं आप इसे पोस्ट करके इसे आप लिख भी लें कॉपी में जहां पे आपने लिखना है तो आगे मैं इसे मूव करना चाहता हूं तो अगला जो कॉन्सेप्ट में इसमें होगा कि अगर मैं अगर मैं अपने सिस्टम को ऐसा समझ लूँ कि मेरे पास जो सिस्टम है इसमें जो वेरिएबल्स होते हैं सिस्टम के आपको पता है ये मैं इस लेट कर लेता हूँ ये मेरे पास एक सिस्टम है ठीक है ये एफ ए नोड है ये एफ़ ए है और ये मेरे सिस्टम का वॉल्यूम है जिसे मैं सिस्टम वॉल्यूम बोलता हूँ ये जनरेशन हो रही है और ये कंजप्शन हो रही है अब मैं इस सिस्टम को ऐसा समझ लेता हूँ कि इसमें जो सिस्टम वेरियल हमें पता है टेम्परेचर होता है टेम्परेचर कैटलिस्ट होती हैं कंसनट्रेशन होती हैं इसे मैं समझ लेता हूँ कि थ्रू आउट सिस्टम ये सारी चीज़ें यूनिफॉर्म हैं इसे मैं यूनिफॉर्म समझ लेता हूँ थ्रू आउट सिस्टम यूनिफॉर्म है तो मैं इसके अपने जो जनरेशन है जे जी जे जो हमारे स्पीशीज़ हैं वो हमारी इक्वल होती हैं रेट ऑफ फार्मेशन ऑफ स्पीशीज जे मल्टीप्लाई इट्स वॉल्यूम अब आपने ये चीज़ रिमेन कर लेनी है कि हमारे पास अगर हमारा कॉन्स्टेंट हमारे पास जो यूनिफॉर्म हमारे पास जो सिस्टम वेरिएबल हैं टम्परेचर कैटलैटिक एक्टिविटी कंसनट्रेशन तो हमारे पास जो जनरेशन होगी वो इज़ इक्वल होगी रेट ऑफ फार्मेशन मल्टीप्लाई इट्स वॉल्यूम क्योंकि वॉल्यूम यहाँ पे क्या हो जाएगा कांस्टेंट वॉल्यूम हो जाएगा बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है ये हमारा कांस्टेंट वॉल्यूम है अगर मैं इसके यूनिट भी देख लूँ तो यूनिट भी हमारे एग्जैक्ट वही आएंगे जो हमारे जनरेशन की होती हैं अब रिएक्शन के आपको पता है क्या यूनिट होता है मोल्स हम काफ़ी डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं लेक्चर फोर में वो आप जाके देख सकते हैं टाइम मल्टीप्लाई वॉल्यूम ठीक है मल्टीप्लाई वॉल्यूम की यूनिट हमें पता है यूनिट में लिखता नहीं वॉल्यूम लिख लेता हूँ सिर्फ इसको मैं वॉल्यूम अब वॉल्यूम वॉल्यूम से कैंसिल आउट हो गया और मोल्स ओवर टाइम हमारे पास यूनिट वही आ चुके हैं मोल्स ओवर टाइम ही यूनिट आ चुके हैं तो आपने देखा अगर हमारे पास जो है वेरिएबल कांस्टेंट होंगे टेम्परेचर कंसंट्रेशन केटलाइटिक एक्टिविटी तो हमारी जो जनरेशन होगी इज इक्वल टू हो जाएगी रेट ऑफ जा, फॉर्मेशन ऑफ जे स्पीशीज़ मल्टीप्लाई इट्स कॉन्स्टेंट वॉल्यूम तो आपने इक्वेशन यहां यहाँ तक देख ली है तो अभी हम इस क्वेश्चन को अपनी जो है एट द एंड इक्वेशन में भी इसे हम चेंज कर सकते हैं अगर आपके पास कॉन्स्टेंट वॉल्यूम का केस है तो आप ये यूज़ करेंगे ये वाली इक्वेशन अपनी जनरेशन की टर्म में आप ये ऐड कर लेंगे जो अपनी मोल बैलेंस इक्वेशन हमने ये जो हमने पीछे इक्वेशन मोल बैलेंस की देखी है ठीक है अब अगला केस जो इसमें आने वाला है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट केस है अब अगले केस में मैं देखता हूं कि हमारे पास जो रेट ऑफ फार्मेशन जो हमारे पास है ऑफ स्पीशीज जे वो अब वेरी कर रही है वॉल्यूम टू वॉल्यूम उसमें वेरिएशन आ रही है लेट्स हमारे पास ये मैं कहता हूं कि मेरे पास जो है ये मेरे पास वॉल्यूम है ठीक है ये मेरे पास वॉल्यूम है अब यहां पे जो से डेल्टा वी वन बोलता हूँ इसे डेल्टा वी टू बोलता हूँ इसमें हमारे पास रेट ऑफ़ जनरेशन डिफरेंट है इसमें रेट ऑफ़ जनरेशन हमारे पास डिफरेंट है ठीक है अब इस केस में हम क्या करेंगे जब हमारे पास रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पीशीज़ जे फॉर द रिएक्शन वेरीज कर रही है पोजिशन चेंज हो रही है तो हमारी जो है रेट वेरी कर रहा है आर जे वन लोकेशन पर ये है लोकेशन वन पे हमारे पास आर जे वन है लोकेशन टू पर हमारे पास आर जे टू है इस तरह हमारा लोकेशन टू लोकेशन हमारा जो है रेट ऑफ रिएक्शन वेरी कर रहा है है। तो इस साइड पे हम क्या करेंगे हमारा रेट ऑफ जनरेशन इसे मैं डेल्टा की फॉर्म में लिखता हूं क्योंकि चेंज आ रहा है चेंज इन जनरेशन तो चेंज इन जनरेशन में आपको बताना चाहता हूं अब इसमें हमारा चेंज इन जनरेशन क्या आ रहा है जे वन में से लिख लेता हूँ हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन जे स्पीशीज विद रिस्पेक्ट टू वन लोकेशन वन पोजीशन मल्टीप्लाई चेंज इन वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू वन पोजीशन इस तरह हमारा जो है तमाम अगर हमारी कॉन्स्टेंट वॉल्यूम हमारे पास नहीं है हमारे वेरिएबल कॉन्स्टेंट नहीं है तो ये हमारी जो है विद रिस्पेक्ट टू लोकेशन हमारी जो रिएक्शन और वॉल्यूम हमारा चेंज होता रहेगा चेंज जेनरेशन जो हमारी वो है चेंज होती रहेगी इसमें केस में क्या करता हूँ कि मैं इसे टोटल सिस्टम वोलेम कंसिडर कर लेता हूँ जिसमें हम मैं मुख्तफ इसे लोकेशन सब बोलेम में चेंज कर देता हूँ मैं कैसे लिखूंगा इसको जे जे इसमिशन टाइम हम लिख लेते हैं ना कि हमारे पास देखें अगर हमारे पास वन से लेके एम एम क्या चीज है कि हमारे पास जितनी मर्जी इसमें सब वॉल्यूम हो सकते हैं ठीक है एम तक एम हमें नहीं पता फाइव हो सकते हैं फिफ्टीन हो सकते हैं हंड्रेड हो सकते हैं डेल्टा जे जे वन अब ये क्या होगा हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एम हमने पढ़ा है जे के बराबर होता है आर मल्टीप्लाई वी लेकिन अब यहाँ पे पोजीशन टू पोजीशन हमारे पास चीज़ वेरी कर रही है इसलिए यहाँ पे आर जे वन और डेल्टा वी वन आ गया है उम्मीद करता हूँ इतनी चीज आपको क्लियर हो चुकी होगी अब आगे इसमें मैं क्या करता हूँ अब ये इंपॉर्टेंट चीज़ समझने वाली ये है कि अगर यहाँ पे मैं लिमिट्स लेता हूँ क्योंकि अब यहाँ पे आ, हम अगर हमारे पास सुमीशन है तो हम उसकी लिमिट्स ले लें अगर मैं इसकी लिमिट्स लूँगा तो हमारे पास जो इसका सब वॉल्यूम है मैं इसको इन्फिनी कर दूँ हमें नहीं पता कितना है तो हमारा चेंज इन वॉल्यूम क्या हो जाएगा ज़ीरो हो जाएगा ठीक है अब इसकी मैं डेफिनेशन यूज़ करूँ इंटीग्रल हम इसे इंटीग्रल से भी शो कर सकते हैं जे जे इज़ इक्वल टू वॉल्यूम वी कुछ भी हो सकता है उसका स्टार्टिंग पॉइंट लेकिन एंडिंग पॉइंट में वी ले लेता हूँ आर जे डी वी ठीक है डिफ्रेंश इसकी मैंने इंटीग्रल फॉर्म में इसे हमने लिख लिया है जो हमारा इंटीग्रल में वॉल्यूम में चेंज आ रहा है वो मैंने यहाँ पर इसको स्पेसिफाई कर दिया है अब यहाँ पे ये क्या है ये हमें ये इक्वेशन ये बता रही है ये वाली इक्वेशन कि आर जे विल बी इन डायरेक्ट फंक्शन ऑफ पोजीशन द प्रॉपर्टीज़ ऑफ रिएक्टिंग मटेरियल कि जिस तरह हमारी प्रॉपर्टीज़ वेरी करती जाएंगी कंसंट्रेशन टेम्परेचर ये भी हमारा वेरी करता जाएगा कैन बी डिफरेंट हर लोकेशन पे डिफरेंट होगा अब एट द लास्ट पॉइंट मैं अपनी इक्वेशन री राइट करता हूँ जो हमने हमने जो पीछे ड्राइव की है इनपुट इज इक्वल टू आउटपुट मैं ऐसे लिख लेता हूँ एक दफ़ा एफ जे नोट माइनस एफ जे प्लस जनरेशन ऑफ जी स्पीशीज इज इक्वल टू एक्यूमिलेशन एक मीन टू से नंबर ऑफ मोल्स ऑफ स्पीशीज जे एट टाइम टी इन दिस सिस्टम अब इसमें मैं अपनी जो मैंने इक्वेशन पीछे ड्राइव की थी वो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ क्या मैंने की थी ड्राइव आपको याद हो जानी चाहिए वी और साथ हमारे पास आर जे और इसकी मैंने क्या ली इंटीग्रल फॉर्म में रिएक्शन को मैंने लिख दिया डी एन जे ओवर डी टी ये है जनरल मोल बैलेंस इक्वेशन अब ये जो चीज आपको अब इसे याद कर लें अच्छे तरीके से आपको ये हो जानी चाहिए याद अब ये कि ये हमारे पास इनपुट है ठीक है ये हमारे पास आउटपुट है और ये हमारा जब हमारा वॉल्यूम वेरी कर रहा है कांस्टेंट वॉल्यूम नहीं है कांस्टेंट वॉल्यूम वेरी हमारा वॉल्यूम जब कर रहा है तो तभी हम इक्वेशन यूज करेंगे वी आर जे डी वी क्योंकि हमने पढ़ा है ना पीछे कि हमारा जो जनरेशन इज इक्वल टू किसके बराबर होती है आर जे मल्टीप्लाई इट्स वॉल्यूम सो so, ये हमारे पास इक्यूमलेसन है अभी आप इक्वेशन याद कर लें ये हमारे पास जनरल मोल बैलेंस इक्वेशन है जिसे आगे हम यूज़ करेंगे डिफरेंट इंडस्ट्रियल रिएक्टर बैच सेमी बैच कंटिन्यूज डिफरेंट हम एवेल्यूएशन करने के लिए हम इस इक्वेशन को आगे यूज़ करेंगे तो अगली वीडियो जो हमारी होगी हम सेमी बैच जो हमारा बैच रिएक्टर है हमारा कैटलेटिक रिएक्टर है सी एस टी आर है उसकी हम डिज़ाइन इक्वेशन डिराइव करेंगे तो उम्मीद करता हूँ कि आपको इतनी चीज़ आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी इनशाला नेक्स्ट वीडियो का आप जरूर इंतजार करें वो भी आपके पास आ ही चुकी होगी अस्सलामुअलैकुम वरहमत व बरकातहू